हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे सब। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गुलदाउदी की कटिंग जो है वो तैयार हो गई है, और कुछ ही कटिंग मैंने आपके साथ में शेयर करी थी वो मैंने छोटे छोटे पॉट्स में लगाई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको रिपोर्ट करूँ, तो मैं उनकी मिट्टी तैयार कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने गमले के एक गमले के हिसाब से लिए, और गमले तो मुझे काफ़ी सारे भरने हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो ये एक मैंने रेशो रखा है, ये मेरी 60% गार्डन सॉइल है, और ये मेरी 40% में ये वाली मेरी बर्मी कंपोस्ट है, और ये मैंने थोड़ी गोबर की खाद ली है, और ये सरसों की खल है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने जो गुलदाउदी है उसके लिए हम अपनी मिट्टी बनाएं तो वो बहुत अच्छे से चलेगी, और उसमें जो है बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने जो गुलदाउदी की मिट्टी बनाएं वो इसी तरीके से बनाएं। तो मैंने कुछ पॉट्स तो अपने भर लिए, और मैंने सोचा चलो एक आपके साथ शेयर करती हूँ, वरना वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। तो ये मेरा एक पॉट है, ये देखिए, ये मेरा एक पॉट है, इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार करी है। तो मैं इस पॉट को भरूँगी आपके सामने, और एक आपको पौधा जो है वो निकाल के इसमें लगा के दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पॉट लिया है, और इसमें मैं गिट्टी की जगह मैं ये थोड़ा लकड़ी का जो रंधन जिसको कहते हैं वो लूँगी, क्योंकि इसके जो होल्स हैं ये थोड़े उभरे हुए हैं, और मैं इस पर गिट्टी रखूँगी तो वो फिसल के गिर सकती है। तो मैं इस पर गिट्टी ना रख के और ये रखूँगी, जिससे कि हमारी मिट्टी बाहर भी नहीं जाएगी, और ये हमारा ड्रेनेज बहुत अच्छे से बना रहेगा, और फिर ये धीरे धीरे हमारी मिट्टी बन जाएगी इसकी। तो मैं इसमें ये थोड़ा डाल दूँगी, एक डेढ़ इंच करीब ये मैंने डाल दिया, और जो है मैं इसमें अब मिट्टी भर लूँगी। तो ये मिट्टी जो है, ये गोबर, ये मिट्टी है मेरी गार्डन सॉइल, और ये मेरी सरसों की खल है। ये मैंने एक मुट्ठी ले ली है, क्योंकि अभी हमारे पौधे बहुत बड़े नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी ही ली है। फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम इसको थोड़े दिनों बाद देंगे जब पिंचिंग शुरू करेंगे। ये मेरी गोबर की खाद है, देखिए कितनी अच्छी है, बिल्कुल सड़ी हुई और ब्लैक कलर की है, और ये मेरी वर्मी कंपोस्ट। तो मैंने ये 60-40 का रेशो रखा है, 60% गार्डन सॉइल रखी है मैंने, और 40% में मैंने ये तीनों चीज़ें ले ली हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, देखिए, और ये मिक्स करने के बाद में फिर मैं इसमें भरूँगी और आपको पौधा लगा के दिखाऊँगी, जो मेरा मैंने छोटे पॉट में लगाया था, अब ये उसको मैं थोड़ा बड़ा पॉट दे रही हूँ। बस इसमें ही, इस वाले पॉट में ही अच्छे से चलता रहेगा मेरा पौधा, और फिर इसकी जब पिंचिंग करूँगी तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पिंचिंग मैं इसकी 2-3 दिन बाद करूँगी, अभी तो मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ तो एकदम से पिंचिंग नहीं करूँगी। तो ये देखिए, मैं इसमें अपनी सॉइल भर लेती हूँ, ये मिट्टी बहुत अच्छी बन गई है, 40% कंपोस्ट जो है वो मैंने मिलाई है इसमें, बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, और 60% मेरी मिट्टी है। सरसों की खल गुलदाउदी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, आप सरसों की खल भले ही 1-1.5 मुट्ठी मिलाएं, लेकिन अपनी जो गुलदाउदी की वो मिट्टी बनाते हैं आप, तो उसमें आप सरसों की खल ज़रूर मिलाएं, और उसको 15 दिन में फिर एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम लोग देते हैं, वो मैं जब दूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसको बनाना भी बताऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा पॉट पूरा भर गया, और इसमें अब मैं एक थोड़ी गिट्टियाँ हैं ये निकाल देती हूँ, और इसमें अब मैं अपना पौधा लगाऊंगी। अब दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही वाला पौधा है, कटिंग है, जो हमने लगाई थी इस छोटे से पॉट में, ये देखिए इस वाले में। तो अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा पॉट दूंगी, तो ये मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसमें मैंने पानी दे दिया था पहले से ही। तो देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छे से नीचे तक पहुँच गई हैं, ये देखिए इसकी रूट्स, देखिए कितनी नीचे तक पहुँच गई थी। इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है, मैंने इसमें पानी दिया था ताकि आसानी से निकल आए,
तो इसको अब हम इसमें थोड़ी जगह बना के इसमें रख देते हैं। इसकी रूट्स को छेड़ेंगे नहीं ज़्यादा और इसको ऐसे ही इसमें रख देंगे। ये देखिए कि मैंने रख दिया और इसको हल्के से प्रेस कर देंगे बस। और अब इसमें पानी दे देंगे। ये देखिए मैंने इसको पानी दे दिया है। पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी गुलदाउदी की मिट्टी बनाइए। और ये मैंने इसको खूब अच्छे से पानी दे दिया है। बस अब ये थोड़ी देर में अपने आप ड्रेन आउट हो जाएगा। पहली बार में थोड़ा देर लगती है, फिर ये ड्रेन आउट हो जाएगा। और फिर मैं इसकी अब पिंचिंग भी शुरू करूँगी एक दो दिन में। तो मैं आपको बता दूँगी कि इसकी मतलब आपका पौधा अगर इतना बड़ा है तो आपको कितने दिन में पिंचिंग करनी है। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे पता रहे कि आप मेरे बारे में मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसका सब पानी निकल गया और मिट्टी हमारी पूरी अच्छे से गीली हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी गुलदाउदी की मिट्टी बनाइए, आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।